का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब बहुत बेसब्री से सीयूईटी के जो भी विद्यार्थी हैं वो कट ऑफ्स का बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कट ऑफ के पहले सबसे बड़ी एक अपडेट आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा एनालिसिस आप उसका बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मेरे पास बहुत सारे छात्रों का मैसेज आया, बहुत सारे छात्रों का एनालिसिस करने के बाद जो निष्कर्ष पे मैं निकला उसमें लगा कि 700 नंबर के ऊपर यानी 700 के ऊपर बहुत कम विद्यार्थी हैं। मुश्किल से 10 से 12 विद्यार्थी ऐसे मिले होंगे जिनका कि 700 नंबर से ऊपर आ रहा है, यानी 900 में 700 नंबर के ऊपर आ रहा है। इसके साथ साथ 600 से लेकर 700 के बीच में बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन अगर है तो 400 से लेकर के 550 के बीच में बहुत मैक्सिमम छात्र हैं, और 400 से 500 के बीच में जो नंबर पाने की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे हेल्दी कंपटीशन अगर होने वाला है तो वो 400 से 500 नंबर के बीच में, जो टोटल आप दो डोमेन, एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज अगर आप मिलाकर देखेंगे तो 400 से लेकर 500 के बीच में जो बीए की कट ऑफ है वो बहुत हेल्दी कंपटीशन होगा। इसके ऊपर के जो छात्र हैं वो अपने आप को बहुत सेफ समझें। कट ऑफ का एनालिसिस का वीडियो शाम को मैं अपलोड करूँगा एकदम अच्छी तरीके से, उसमें कितना नंबर का कट ऑफ जा सकता है, कॉलेज की क्या कट ऑफ रहेगी, कैंपस की क्या कट ऑफ रहेगी, इन सारे एनालिसिस मैं शाम को कर दूंगा आपको। अब कट ऑफ पर वीडियो आएगी, प्रिडिक्शन क्या जाता है क्या नहीं जाता है। इसके साथ साथ जो सूचना है आपके लिए, 700 नंबर के ऊपर के विद्यार्थी अपने आप को पूरा एकदम सेफ समझें, उनका एडमिशन हो रहा है यहाँ पे। 600 से 700 के बीच में भी एडमिशन की संभावना आपकी पूरी तरीके से बनी है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर हो रहा है तो 400 से लेकर 600 के बीच में जो नंबर पाए हैं, 400 से 500 के बीच में संख्या सबसे ज़्यादा है, चाहे वो बीए में चाहे वो बीएससी में। तो 400 से लेकर 500 के बीच में जो भी छात्र हैं वो बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत परेशान नहीं होना है, वो भी मैं क्लियर एनालिसिस करूँगा। बाकी सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन अगर है तो 400 से लेकर 500 के बीच में कॉम्पिटिशन आपका सबसे ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।